पहले तो कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं है, छोटे मोटे चीजें हुई है। पहले अगर आप शिक्षा मंत्री का पहला बयान आप याद रखेंगे, उन्होंने कुछ ये नहीं कहा था कि ये बहुत बड़ा घोटाला है, जो कुछ कार्रवाई करनी है हम करेंगे। ये तो बिल्कुल एनटीए समस्या एनटीए में है, यूजीसी में है। आज भी एनटीए के चेयरमैन कौन है आप देखिए, यूजीसी के चेयरमैन कौन है देखिए। आपने तो एक उच्च स्तरीय समिति बिठा दी है, वो तो हमेशा एक उच्च स्तरीय समिति बनाया गठन का गठन होता है। पर देखिए आपने आपने जो किया है ना 2017 से, अच्छा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी आपने बनाया 4 साल पहले सरकारी नौकरियों के लिए, आज तक एक रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा, 4 साल हो गए हैं। तो ये हेडलाइन के लिए सब संस्थाएं बनाए जाते हैं। और आप देखिए अभी जो जानकारी निकल कर आ रही है, जो बीजेपी के नेता इस घोटाले में शामिल हैं, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो हम राजनीतिकरण नहीं करना चाहते हैं, पर हकीकत यह है कि बीजेपी नेता, बीजेपी से जुड़े हुए नेता जो इसमें शामिल है, बहुत भारी तरीके से शामिल है। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now।